नीचे रख दो, अगर नीचे नहीं पाएगा नहीं अच्छा नहीं आएगा। आप सब तैयार हैं? 6-7 लोगों ने यस कहा है। आप सब तैयार हैं? हालेलुया। मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। टिल्डा के टिल्डा 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 मैं सबको बोल रहा था मैं टिल्डा का जा रहा माइक ठीक हो रहा है। हेलो, आप लोग हंसते नहीं है क्या? पिता पीले हंसते हैं ना, खूब हंसा करिए, ये बहुत जरूरी है। मैं बहुत हंसता हूँ, मैं गंभीर रहता हूँ ना, मैं गंभीर लोगों से मिलता हूँ, मुझे गंभीर लोगों से बहुत डर लगता है, मुझे लगता है बम बांध के आए अंदर। आप जानते हैं जानते हैं हंसना क्यों जरूरी है? यू नो, अब हमेशा याद रखना, आपका बिहेवियर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। आमीन। यस, आपका बिहेवियर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। आप देखो, कभी कभी आप घर पे आते हो और आप अपनी वाइफ के चेहरे को देखते हो और रोटी ऐसे पका रही है, आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। आप समझ जाओ आपकी मां ने सुताने वाले सही बात। और फिर जैसे वो खाना देती है फिर आप पूछते हो क्या हुआ। सुबह से जिस घड़ी का वेट कर रहे थे वो आई, तो वो आए और पूछे मुझसे, लेकिन जब आपसे पूछा गया क्या हुआ तो आपने कहा कुछ नहीं। कैसे माहौल खराब होता है ना घर का, इसलिए कहता हूं हंसना जरूरी है। ओके, चलिए अब स्माइल लीजिए अपने बाजू वाले को, मुझे पता है वो अच्छे से देंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ छत्तीसगढ़ में, न्यूमरस टाइम आया हूँ लेकिन मैं टिल्डा फर्स्ट टाइम आया हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में टिल्डा के घर घर में प्रभु की इबादत होगी। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? यस, अगर आप विश्वास करते हैं तो आमीन बोलना सीखिए। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ तमाम भाइयों का और सभी लोगों का भाई। ये नहीं है ना, ये आज हम शुरुआत कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्राम बता देता हूँ। कुछ तो हो रहा है आज, तो सिर्फ 1 घंटा प्रचार करूँगा। ओके, 1 घंटे के बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा। कल से वो थोड़ा अधिक सुनीला करना पड़ा। ओके, इसको यस एग्री। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, बिल्कुल से बुलाए जाएंगे। कभी कभी पास्टर बोलते हैं ना, हम आज मैसेज छोटा है बड़ा मंदिर से। थैंक यू जी। कल हम थोड़ा अधिक समय बिताएंगे, आप सब तैयार हैं? स्टार्ट करें। चलिए यहां देखिए सर, मैसेज हम स्टार्ट करेंगे 15-20 मिनट के बाद, कुछ बात करनी है मुझे।
बहुत बार हम लोग जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हम एक मैसेज को एंजॉय करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि खुदा इसके थ्रू मुझे क्या बोलना चाहता है। आज हम एक ऐसी पीढ़ी बन गई है, हम अब एक ऐसी जनरेशन बन गए हैं। I'm sorry, मुझे ये बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन fact is a fact, जो सच है वो सच है। हम कई बार एक अच्छे मैसेजेस को सुनते हैं, ओ पास्टर प्रेमान ने हम बहुत अच्छी बातें बताई, ओ आज वो पास्टर आए थे उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, अरे मैंने ये वीडियो देखा आज मुझे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप वो समझ पाते हैं जो खुदा आपको बोलना चाहता था? Why we are living in a settled mentality? हम लोग इस तरह के मन में क्यों चल रहे हैं इन दिनों में कि बस चर्च जाना है, वचन सुन के चले आना है? Did you hear the voice of the Lord? क्या आपने वो समझा जो खुदा कहना चाहता? आप जानते हैं हम क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हमारा ध्यान इन दिनों में वचन पर नहीं है। ये बहुत आसान है कि आप प्रभु के वचन को सुन रहे हो, पर आपको उससे क्या लिया? क्योंकि आपने लिया क्या उससे? देखो मैं आपको अपना थोड़ा सा परिचय देता हूं। मैं बहुत सिंसियर पर्सन हूं, अपनी क्वालिटी का एक मिनट भी वेस्ट नहीं करता हूं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मुझसे कोई मिलने आया है ना तो मैं उससे पहले पूछता हूं, हेलो हाउ आर यू, जय मसीह, बोलो क्या काम है, काम हो गया, उठो जा। मुझे गप्पे मारने बिल्कुल नहीं आते, मैं अपनी बुलावट के प्रति बहुत सिंसियर एक मिनट भी बर्बाद नहीं करता हूं। मैं अपने फोन को तब तक टच नहीं करता जब तक इसमें जरूरी काम नहीं है। आप मुझे कभी भी देखोगे कि मैं बैठा हूं और स्क्रॉल कर रहा हूं, बैठ के देख रहा हूं क्या क्या नया आया है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अगर आपको परमेश्वर में पढ़ना है तो आपको बहुत सारे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। कुछ निर्णय तो ऐसे होते हैं जो आपको भी पसंद नहीं आएंगे पर लेने पड़ते हैं। आप समझ पा रहे हैं? आज बहुत से लोग हैं ना, दे आर गुड क्रिश्चियंस बट नॉट सिंसियर क्रिश्चियंस। आज बहुत से लोग हैं जो अच्छे हैं बेचारे, लेकिन गंभीर नहीं है। देखिए अच्छे होने में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड एंड गॉडली। अच्छा होने में और ईश्वरीय होने में फर्क होता है। मैं भाई को जानता हूं, मेरे मुंबई में रहते हैं, मैं जब भी उनको मिलता हूं पकड़ के मुझे होटल में लेके जाते हैं, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं, बोले खाना खाओ, बोले पानी पियो, बोले ये करो, बोले शर्ट चाहिए, बोले पैंट लेके हूं आपके लिए, बोले ये लेके। लेकिन जब भी मैं प्रभु की बात करता हूं प्रॉपरली नहीं सुनता है। ही इज गुड बट नॉट गॉडली। वो अच्छा है लेकिन खुदा के पीछे नहीं चलता है। आप में से हर एक को ये बात समझनी पड़ेगी कि क्या मैं सिर्फ अच्छे अच्छे मैसेजेस को सुन रहा हूं यूट्यूब पे चर्च के अंदर पास्टर जी से, क्या मैं वो पकड़ पा रहा हूं जो परमेश्वर इन दिनों में मुझसे कहना चाहता है? सर अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप अन्यथा अपने समय को बर्बाद कर रहे। मैं प्रचार कर रहा था और मैंने कहा आजकल लोगों का सबसे बेस्ट एंटरटेनमेंट पता है क्या है? एंटरटेनमेंट को हिंदी में क्या बोले? मनोरंजन, मनोरंजन। आपको पता है आजकल लोगों का सबसे बढ़िया मनोरंजन क्या है? बताऊं? गप्पे मारना, गॉसिप करना, दूसरों की जिंदगियों की चर्चाएं करना।
आपको बहुत सारी बहनें देखेंगी इन दिनों में चर्च के बाद अपनी चर्च जलाती है, वो तेरी सांस कैसी है, तेरी बहू कैसी है, ये कैसी है, वो कैसी है। पास्टर ना पहले जैसा नहीं है, मैं अपनी चर्च के अंदर एक बहन को अप्रिशिएट कर रहा था, बहुत सारी बहनों के मुंह हम 10 साल से बैठे हैं, हमको तो बुलाया नहीं, 2 साल से आए, आपको जलन क्यों हो रही है, आपको जलन से क्यों हो रही है, मुझे बात बोले तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है, होता है लेकिन मैंने किसी के ऊपर हाथ रख के उसको प्राची नियुक्त किया, प्रभु ने मुझे कहा था इसको चर्च का एल्डर बना, और मैंने हाथ रख के उसको एल्डर चूज किया। तो पता है मैंने उसे क्या कहा, चर्च में खड़े होके मैंने खड़े होके कहा जिन जिन लोगों को खुशी है कि ये भाई एल्डर बन रहा है, वे सभी लोग अपना हाथ इसकी तरफ करें, और जिन जिन को जलन हो रही है वो अपना हाथ अपनी छाती पर रख के खुद के उद्धार के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आप समझ रहे हैं ये चीजें सुनना अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अगर ये चीजें नहीं सुनी तो आगे और बुरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ समझ रहे हैं आप? डोंट हेयर जस्ट द गुड सर्मन्स, सिर्फ अच्छे संदेशों को न सुने, जानने की कोशिश करें मुझसे प्रभु क्या बोलना चाहता है। आज मैं चर्च जा रहा हूं, आज मैं सिर्फ एक अच्छा मैसेज नहीं सुनूंगा, मैं जानूंगा आज कि प्रभु मुझसे क्या बोलना चाहता है। इस तरह के एटीट्यूड को आपको हासिल करना है। हेलो, जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। कोई बात नहीं, जाग जाओ। एक दिन एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था बेचारा, हिज नेम वॉज लाजरस, उसका नाम लाजर था। वो बिल्कुल इस दलवान की देवड़ी पे, उसकी चौखट पे बैठता था। बाइबल बताती है वो बहुत बीमार होता था, उसके बदन पे बड़े जख्म थे, और लिखा है उसके जख्मों में से खून निकलता था, और समटाइम्स कुत्ते आके उस खून को चाटते थे। एक दिन बच्चों को कंट्रोल करिए प्लीज, ओके बच्चों को बिठा दीजिए जगह पे, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सभाओं में थोड़ा ध्यान दिया करेंगे, फोन बंद होना चाहिए आपका और बच्चे आपके बोल में होने चाहिए ताकि दूसरों की मीटिंग खराब हो। आप जानते हैं वो जब बंदा मर गया, बाइबल कहती है वो अब्राहम की गोद में चला गया। जब लाजर मरा तो कहां चला गया? कहिए अब्राहम की गोद में। सब बोलिए अब्राहम की गोद में। लेकिन जब वो धनवान मरा, वचन कहता है उसने अपने आप को नरक में पाया। इतनी हीट है वहां पर, वहां इतनी गर्मी है कि वो पानी के लिए तरस रहा था। उसने दूर से अब्राहम को देखा और कहा, हे पिता अब्राहम, लाजर को मेरे घर भेज, मेरे कुछ भाई हैं, उन्हें बता हेल्प है और वो बची। अब जाते हैं, अब्राहम ने खूबसूरत उत्तर दिया। अब्राहम ने कहा, नहीं, उनके पास पुस्तकें हैं, वो उन पुस्तकों को सुने। अब मेरा एक सवाल है, पुस्तक सुनी जाती है कि पढ़ी जाती है? अब पढ़ के देखिए, वहां नहीं लिखा है कि वो पढ़े, लिखा है सुने। अब जाते हैं मालूम क्यों दी गई है? ताकि हम परमेश्वर को सुने।
बाइबल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं मिली है। मैं कुछ बोलूं आपको बहुत आपको थोड़ा बुरा लगेगा, चलेगा? चलो छह सात लोग बोल रहे हैं यस, चलेगा? थोड़ा बुरा लगेगा। जो सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं पर प्रभु को नहीं सुनते, वो आज 2023 के सबसे खूबसूरत फरीसी है। वचन को लेके ही लड़ते। अगर कोई आ गया, मैं तो लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे भी पता है लिखा है, थोड़ा ढंग से बोलो। हमारे कलीसिया में बहन आई, पूरा सोना पहने, इधर सोना, इधर सोना, इधर सोना, इधर सोना, इधर सोना, सोने की दुकान कर रही थी। और हमारे कलीसिया में बहुत आत्मिक बहन है, उसको पहली मीटिंग में कहा अगली बार ऐसे मत करो। इसे कहते हैं फरीसी बहन। एक को अपनी गंदगी नहीं दिखती है, इन्हें दूसरों की गंदगी दिखती है, क्योंकि इन्होंने खुदा को सुना ही नहीं है। कुछ भाई होते हैं ना, प्रेम कम न्याय ज्यादा होते हैं, देखा है आपने? प्रेम बहुत कम है, न्याय बहुत ज्यादा है। आप 5 मिनट सामने खड़े हो जाओ, एक खूबी नहीं देखेंगे आपको, लेकिन आपकी 10 गलतियां 5 मिनट में बता देंगे। इसे कहते हैं फरीसी बन। द मोर यू परफेक्ट, द मोर यू विल बी मर्सीफुल। आप हमेशा याद रखना, जितना खुदा आपको बदलेगा ना, उतना आप दयालु बनोगे। उनके पास पुस्तकें हैं, वो पुस्तकों को सुने। प्रभु को सुनना सीखिए, सिर्फ पढ़ना नहीं। आप बाइबल को केमिस्ट्री की बुक की तरह पढ़ सकते हो, लेकिन खुदा को सुनना बहुत अलग होता है। जब भी आप बाइबल को खोलते हो, प्रभु से कहो, प्रभु जब मैं इसे पढ़ू, मेरे हृदय में उसे बात कर। लोगोस के ऊपर, ये लोगोस कहा जाता है, दैट्स कॉल्ड लोगोस। इस लोगोस के ऊपर रहमा मिलना जरूरी है, ये जरूरी है कि लिखित वचन के ऊपर जीवित वचन आए, तब जिंदगी बदलती है, अन्यथा आप ऐसे ही रहेंगे। आप जानते हैं जब फिरौन और मूसा एक साथ मिलते हैं, मूसा कहता है मेरे लोगों को जाने दे, बताया वो क्या बोल रहा है, क्यों मेरे लोग वहां जाके प्रभु की आराधना करेंगे? जानते हो फिरौन पहली चीज क्या बोलता है? नहीं, वे मिस्र में रह के उसकी आराधना करेंगे। आप पढ़ के देखिए, शैतान बहुतों के साथ यही जिंदगी चाहता है, तुम लोग मिस्र में रह के प्रभु की आराधना करो। ये मिस्र में रह के प्रभु की आराधना करने का अर्थ क्या है भाई? संडे को चर्च में वर्शिप करो, 6 दिन मेरे साथ जियो, दैट्स कॉल्ड वर्शिप इन इजिप्ट। और करते हैं लोग, रविवार के दिन मसीह होते हैं, तभी 6 दिन आप अपनी जिंदगी देखो, उनमें और दुनिया में कोई फर्क नहीं दिखता। वो पिक्चरों पे जाएंगे, गलत सारे काम करेंगे। इसे कहते हैं मिस्र में प्रभु की आराधना करें। आप पढ़ के देखिए, पहले पहले क्या बोलता है, एक काम करो, तुमको आराधना करें ना, यही पर करो। उसने कहा नहीं, अब जाएंगे यहां से। परमेश्वर की महिमा मिस्र में नहीं होनी है, परमेश्वर की महिमा हर दिन होनी चाहिए। चलिए अपने पास वाले से कहिए, प्रभु को सुनना है। वेरी इंपॉर्टेंट। इन दीस डेज देयर इज सो मच नॉइस, हार्डली वॉइस। आजकल शोर बहुत है, प्रभु की आवाज से बहुत सारे वीडियो अपलोड होते हैं यूट्यूब पे आजकल, बड़े बड़े टाइटल्स के साथ, ये 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 ये, चला के देखो, सिर्फ शोर है, आवाज खराब है।
जब परमेश्वर की आवाज आती है ना, चक्र बदल जाते हैं, जिंदगियां बदल जाती है, मन बदल जाते हैं। जवान होते हैं ना, गंदे रिश्तों से बाहर आ जाते हैं जब परमेश्वर की आवाज सुनते हैं। मैं बिलीव करता हूं आज आने वाले जो भी आधा घंटा 40 मिनट जो मेरे पास अभी है, मैं बिलीव करता हूं प्रभु आपसे कुछ बात करेंगे आज। आप तैयार हैं? कितने लोग ये समझे जो मैंने अब तक कहा? सिर्फ एक अच्छा मैसेज नहीं सुनना है, हमें प्रभु की आवाज को समझना है। उसी आवाज से आइए मेरे साथ खोलिए याकूब की किताब। ओपन विद मी द बुक ऑफ जेम्स। मेरे साथ खोलिए याकूब की किताब और उसका 5 अध्याय चैप्टर 5। आप सब बाइबल लाए हैं ना? याकूब की किताब 5वां अध्याय। ओपन विद मी द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5। सब बोलिए। देखिए पास्टर की हेल्प करिए, अगर उनको नहीं मिल रहा है मदद करिए। याकूब की किताब प्रकाशित वाक्य के बाद आती है। देखना मुझसे ये भी ढूंढे। आप जानते हैं कैलकटा में जो लोग सिर्फ संडे संडे चर्च जाते हैं, पता है उन्हें क्या कहा जाता है? कई अपने बाजू वाले को इतवारी ला रहे और जो क्रिसमस पे आते हैं त्योहारी लाल। आपने इतवारी लाल बनी है तो त्योहारी लाल बनी है। अच्छा थे आप में से कुछ लोगों को बाइबल का चैप्टर जल्दी क्यों नहीं मिलता, बताओ क्यों? क्योंकि घर में बाइबल जल्दी मिल गया। कुछ कुछ लोगों के बाइबल के पन्ने इतने चिपके हुए रहते हैं, इतने चिपके हुए कभी खोले ही नहीं। आप मुझे बताइए, ऊपर सपना मिलेगा आपको, उसे खाली 2 चैप्टर लिखे, वो आपसे पूछेगा ऊपर मैंने 2 अध्याय लिखे वो भी पढ़े, क्या उत्तर दोगे उसको? आप पति तो बोलेगा चलो मैंने 28 अध्याय लिखे, सपने में क्या बोलोगे? अब आपको बोलेगा मैंने 3 अध्याय लिखे, आपको भी नहीं पढ़े। कई अपने पास वाले को बाइबल घर में खोलना जरूरी है। बोलो 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 वीआईपी हो, बोलो बोलो बाइबल को बोलो। मोबाइल तो बाथरूम में भी लेके जाते हैं। अच्छा लोग मोबाइल बाथरूम में लेके जाते हैं, एक एक घंटा बैठे रहते हैं, ढक्कन बंद करके बैठ जाएंगे। मोबाइल लेके जाते हैं मगर नहीं करते। याकूब 5 अध्याय और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 5 अध्याय और उसका 13 वचन 13। यदि तुम में से कोई दुखी है तो अपनी प्रार्थना निवेदन व्हाट्सएप पे डाल दे। तुम में से जो कोई दुखी है वो अपने घर वालों को भी सताए। लिखा है? नहीं। धन्यवाद। अब देखो लिखा क्या है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए, मीन्स वो आराधना करे। ओके, इस वर्ड को चाहे तो टिक कर लिए थोड़ा सा, बुक मार्क करिए, फिर हम स्टार्ट करें। आइए सब सामने देखिए, थोड़ा सा वॉइस वॉइस बढ़ा दीजिएगा, मैं थोड़ा माइक नीचे रखता हूँ।
थोड़ा सा बढ़िया भैया जी। हाँ थैंक यू थैंक यू। आइए सब यहाँ देख लिया, बाइबल छोड़ दो, सामने देखो। मेरे लाइफ में जब भी डिफिकल्ट टाइम आता है ना, कठिन समय आता है, मैं वही करता हूं जो मैं कर सकता हूं, मैं वो कभी नहीं करता जो मैं नहीं कर सकता। आप भी ये करना सीख लो। हमें से बहुत से जो लोग हैं ना, हालातों के अंदर इतने घुस जाते हैं कि पतले हो जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, हमसे ड्राइव करता है। मैं जब उससे मिला था बहुत साल पहले, वो मुझे मुंबई एयरपोर्ट लेके जा रहा था, तो उस टाइम वो बहुत फैट था, मोटा था। फिर दो तीन साल तक मैं हम लोग मिले नहीं, लेकिन एक दिन फिर मेरी गाड़ी खराब हुई तो मैंने उसको कॉल करके कहा कि ब्रदर आपने छोड़ दिए थे वहां पर, तो बोला हाँ ब्रदर मैं आ जाऊंगा आपको लेने के लिए। जब मैं इस बार देखा उसको तो पतला हो चुका था, तो मैंने उसको बोला कौन सा जिम ज्वाइन किया, पता है उसने क्या बोला, बोला जिम ज्वाइन नहीं कर रहा ब्रदर, मैं बहुत स्ट्रेस था, मैं बहुत परेशान था। आप जानते हो नेगेटिव थॉट्स में इतनी ताकत है कि वो आपकी पूरी सेहत को खत्म कर सकते हैं, वो आपकी पूरी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो आपके ऑर्गन्स को पकड़ सकते हैं। हम लोग है ना हमेशा सोचते रहते हैं। चलो मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए कितने लोग शॉवर एंजॉय करते हैं, शॉवर नहाने, जो नहीं नहाते हैं उसकी तो बात ही नहीं है। हाथ ऊपर ही नहीं करते नहीं ब्रदर मैं क्रिस्टस से जिंदा हूं। ओके वही बात, हाँ मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो हफ्ते में एक ही दिन नहाते, और मैं ऐसे लड़कों को भी जानता हूं जो 15-15 दिन ब्रश नहीं करते। अरे सुधरो, अगर ऐसा कोई है बोलो बाजू को रोज ब्रश करना चाहिए। हाँ उसको लगता है नहीं मेरा दिल साफ है ना, बस दिल साफ है मुंह से बात कैसे करेंगे उससे। You know, हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं, ना तो समय सोचते। आप बड़े बड़े होटल्स में जाएंगे ना, वहां पर वॉशरूम में ग्लास पड़े रहते हैं, पता है क्यों? कुछ लोग वॉशरूम में नहाते समय कुछ पीते रहते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप शराब पियो, बट देखो वो अपने शॉवर को भी इंजॉय करते हैं। हम लोग शॉवर के समय सोचते रहते हैं पगार कब आएगा, पेमेंट कब मिलेगी, कई बहने सांस कब सुधरेगी, कई सांसें बहू कब सुधरेगी। आप देखो आप नहाते समय भी सोचते रहते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो गया तो उसके बाद माँ कॉलेज जाना बंद करवा देंगे, ड्राइविंग करते हैं उस टाइम भी सोचते रहते, खाना खाते हैं सोचते रहते। आप जानते हो हमें से बहुत से लोग अपनी लाइफ को अच्छे से क्यों नहीं जी पाते, क्योंकि दिमाग चलता रहता है। आपका दिमाग सिर्फ एक ही जगह पे आके शांत होता है जब आप सोते हो, और मैं आपको लिख के देता हूं अभी भी कुछ ना कुछ सोच रहे हो, अभी भी भले आप मुझे देख रहे हो भले आप मुझे सुन रहे हो, लेकिन आपका दिमाग नहीं हो सकता। आपको पता है ये सोच आपको कहां ले जाएगी? आप वो क्यों कर रहे हो जिसके लिए आप बुलाए ही नहीं गए हो? आप वो करो ना जो आपको करना चाहिए। अरे टेंशन लेके क्या मिलेगा, पूछो अपने आप से पूछो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा अंकल आंटी भाई क्या मिलेगा, फिर भी ले लो। याकूब कहता है अगर आप अपसेट हो तो प्रभु के पास जाओ, व्हाट्सएप पे मत जाओ, पास्टर के पास मत जाओ, पहले पास्टर के पास की बात में जाएंगे अपन, पहले परमेश्वर के पास जाओ, गो टू गॉड, उसके पास जाओ। हमें से बहुत से लोग उसके पास बहुत नहीं जाते,
हम अपनी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन से ज्यादा सिंपथी चाहते हैं। लोगों को पता चले मैं दुखी हूं, सबको पता चलना चाहिए मैं परेशान हूं, सबको पता चलना चाहिए मैं कहां से गुजर रहा हूं। क्यों क्यों पता चलना चाहिए? मुझे बताइए आपको क्या चाहिए? सॉल्यूशन की सिंपथी? सॉल्यूशन खुदा के पास है। कभी कभी कुछ लोग ब्रेकअप हो जाते हैं, बोलो ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब समझते हैं, भले इंग्लिश वर्ड है लेकिन समझ में सबको आ रहा है, दूसरे शब्द समझ में आ रही ना आ रही। ब्रेकअप पता है क्या करते हैं लोग? ब्रेकअप हो जाने के बाद टूटा हुआ हार्ट स्टेटस में छापते हैं, फिर आप सब पूछेंगे क्या हुआ? आपू ने छोड़ दिया, देखो क्या हुआ, मेरी शोना ने मेरे को छोड़ दिया। शोना मोना जादू टोना बंद करो, सबसे सिंपथी गेन करेंगे। क्या मिलेगा? कुछ कुछ लोगों को तो बुखार आ जाए वो भी बताएंगे सबको, आई एम सिक, एक्चुअली यू आर मेंटली सिक, मैं बीमार। दवाई दे, खुदा के पास जा, दुनिया को क्यों बता रहा है तू बीमार है? और ताने भी मारते हैं, बोलो ताने। हाँ समझो, एक ही घर में सांस तो रह रही है और एक दूसरे को बोल नहीं पा रही है, वो बहुत स्टेटस जा रही है, खुद गर्ज लोग खुद गर्ज दुनिया। अरे उसको बोलना चाहते पूरी दुनिया को क्यों बता रहे हो? यू नो मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी इज कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है आप सब कुछ सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते। हेलो भैया, समझ में आ रहा? आप वो करो जो आप कर सकते हो, आप टेंशन मत लो, आप स्ट्रेस मत लो, सोचना बंद कर दो। आप क्या कर सकते हो मुझे बताओ? अगर आपके लाइफ में कुछ भी हालात चल रहे हैं, चलिए मैं अपना मैसेज शुरू कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। एक दिन बाइबल कहती है यहोशापात को पता चलता है तीन देश के लोग उसमें चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। बाइबल कहती है वो डर गया, कहिए डर गया, जोर से कहिए वो डर गया, आजमाने को बोलो वो डर गया। डर है क्या? शैतान ने आपके मन में कुछ झूठ बोला है और आपने उस पर विश्वास किया है, इसे कहते हैं डर। उसने आपको कहा है आपको कैंसर है, उसने आपको कहा है तेरा कर्जा कभी नहीं उतरेगा, उसने आपको कहा है तेरा परिवार कभी उधार नहीं पाएगा, और आपने उसके शब्दों पर बिलीव किया है और अब आप परेशान हो, इसे कहते हैं डर। इसीलिए यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमेन। आप जानते हैं कितने सारे लोग हैं, कभी आपने सोचा है लोग सुसाइड क्यों करते हैं? हमारा मुंबई सुसाइड करने में बहुत आगे है, नशे काट देते हैं, पंखे से लटक जाते हैं, लोकल ट्रेन के सामने कूद जाते हैं, आठवें नौवें माले से जंप दे देते हैं, शहर खा देते हैं, पिस्टल से खुद को उड़ा देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखो जिसने सुसाइड कमिट किया है, आपको पता है वो क्यों सुसाइड कमिट कर रहा है? क्योंकि उसे यहां पर कन्विंस किया गया है कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। That is a reason they are committing suicide. मेरे कई दोस्तों ने सुसाइड किया। मैं आपको जो भी बता रहा हूं ना वो इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप मेंटली पीस में रहें। याद रखिए आप तब तक भले चंगे नहीं हो सकते जब तक आप मेंटली हील नहीं हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप मेंटली अच्छे रहें, आपके पास एक अच्छा मन हो। बाइबल कहती है शांत मन तन का जीवन है। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम विश्राम पाओ। हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पता है एक ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? मैं तुम्हें शांति दूंगा।
ये बहुत जरूरी है कि मन भटकना बंद हो। जब यहोशाफात डर गया, पता उसने क्या किया? वो प्रभु की खोज में लग गया। बाइबल से ही सीख द लॉर्ड, और उसने प्रभु को ढूंढना चालू किया, उसने प्रभु से प्रार्थना की, उसने प्रभु को प्रेस किया, उसने प्रभु को पुकारा, और लास्ट में वो प्रभु को कहता है, प्रभु हम लोग है ना जो ये लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं, हमारे पास ताकत है न समझ है इसे लड़ने की, पर हमारी आंखें तेरी और लगी रहेंगी। जानते हैं जब उसने ये परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ने उसके युद्ध को पता है कैसे लड़ा? जो दुश्मन उनको मारने के लिए आ रहे थे ना, परमेश्वर ने उनके बीच में कंफ्यूशन स्पिरिट भेजी। कंफ्यूशन स्पिरिट का मतलब होता है वो लोग आपस में ही वन माइंड नहीं हो पाए। शायद कोई कहता होगा आपको यहां से मारने के लिए चले, उसने कहा नहीं, मैं मुझे लगता है यहां से चलना चाहिए, ईगो इश्यू हो गया होगा, मैं जो बोलता हूं वो क्यों नहीं मानते हो, आपस में लड़के मर गए। क्या किया उसने? सिर्फ एक काम किया उसने, उसे वही किया जो वो कर सकता था और खुदा पे छोड़ दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या कर सकते हैं मुझे बताइए? अगर आपके हालात खराब चल रहे हैं, जस्ट वन थिंग, आप परमेश्वर को बताओ, सिर्फ प्रभु को बताओ, प्रभु मैं यहां से गुजर रहा हूं, दैट्स इट। लेकिन हम में से बहुत से लोग हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, वे परमेश्वर को बताने के बाद उन हालातों में ऐसे घुसते हैं कि वे बीमार पड़ जाते हैं। कभी आपने सोचा है कितना भटकता हुआ मन है आपके पास? सेकेंड्स में आपका मन ही चेंज होता है, सेकेंड्स। कहां है आपका फोकस? आप क्यों वो कर रहे हैं जो आप कर नहीं सकते? अगर आपका लड़का शराब पीता है, आपकी लड़की किसी और से बात करती है, आप समझा समझा के थक गए, छोड़ दो, प्रार्थना करो उसको, और क्या कर सकते हो? आपको पता है आज जब मैं यहां आ रहा था, मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु मुझे वचन दे। आज मैं नहीं जानता हूं, मैं इन लोगों के बीच में जा रहा हूं, मैं जानता हूं वो मसीह लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं उनके हालात से वाकिफ हूं। आप जानते हैं उनकी जिंदगियों में क्या हालात चल रहे हैं, और पता है मेरे पास एक वचन आया, प्रभु ने कहा यहां बहुत से लोग हैं जो मुझ पर विश्वास कम कर रहे हैं, अपनी समस्याओं से लड़ते रहते हैं। का प्रॉब्लम है, भरोसे की कमी है, इसलिए लड़ते हैं। आप एक व्यक्ति को जिसको देखोगे ना, जिसको विश्वास है, आप उसे कभी भी अपने हालात से लड़ता हुआ नहीं पाओगे। कोई है जो आपको हानि पहुंचाना चाहता है, आप कभी भी न डरेंगे, क्योंकि आपको पता है प्रभु के वचन में लिखा गया है जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए गए हैं प्रभु उनमें से एक को सफल नहीं होने देगा। आप वो करो जो आप कर सकते हो, आप वो मत करो जिसके लिए आप नहीं बुलाए गए हो। एक दिन प्रभु एक शादी में गए, और वचन कहता है वहां पर दाखल खत्म हो गया। कभी आपने इस बारे को इस सूरत ध्यान से पढ़ा है? जब उनको पता चला कि दाखल खत्म हो गया है, यीशु ने क्या किया? लोगों से कहा पानी भरो। खत्म क्या हुआ था? क्या खत्म हुआ था? और भरने के लिए क्या कहा गया? दाखिल खत्म हुआ तो पानी भरने के लिए क्यों कहा? खुदा जानता है आप क्या कर सकते हो, वो जानता है आप क्या कर सकते हो। आप याद रखना, वो जानता है आप पानी भर सकते हो,
डॉक्टर वो बनाएगा। आपको पता है क्रिश्चियन कब होंगे? बोलो बात वाले को, जब हम डॉक्टर बनाए। कुछ लोग है ना पकड़ पकड़ के लोगों को समझाते, बदल 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 बदल। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप बदल दो, ये काफी है। एक दिन यीशु एक कब्र में गए, वहां पर एक व्यक्ति चार दिनों से अंदर पड़ा हुआ था। पता है लोगों ने यीशु ने लोगों से क्या कहा? पत्थर को लुढ़काओ। उसने नहीं कहा जाओ उनको जिलाओ। वो जानता था आप क्या कर सकते हैं। आपका काम है पत्थर लुढ़काना, कृपया मुर्दे को जिलाने की आप कोशिश ना करें। कुछ लोग है ना पत्थर भी हटाते हैं, मुर्दे को भी जिलाने की कोशिश करते हैं। बोलो बादशाह देखो, फिर से नहीं होगा। बोलो बोलो मराठी, मराठी में बोलो, नहीं होगा रे बाबा। पांच साल लोग खाना खाने के लिए बैठे थे, भूख लगी थी उन्हें। यीशु ने कहा तुम इन्हें खाने का प्रयोजन करो। पता है वहां क्या लिखा है? यीशु आप जानता था हम क्या करें। लिखा उससे ये बात तुम्हें परखने के लिए। तब यीशु कहता है तुम्हारे पास क्या है? प्रभु आप चेहरों की नजर दे, एक बच्चा टिफिन बॉक्स लेके आया था उस वक्त, उसके पास दो मछली पांच रोटी थी। चेले आके बताते हैं यहाँ एक लड़का है, प्रभु चेलों का ध्यान वचन में एक दूसरे टिफिन में होता है ना। कभी कभी मीटिंग चलती है, लोग यहां वहां देखते रहते। आप सोचो कितने शार्प चेले हैं, कैसे ये लोग, मीटिंग चल रही है, प्रभु प्रचार कर रहे हैं और ये इन लोगों ने रोटियां भी ली है। आगे कहते हैं प्रभु यहां एक लड़का है, उसके पास पांच रोटी है दो मछली है। प्रभु ने कहा लेकर आओ। क्या प्रभु ने कहा? सबको खिलाओ, क्योंकि वो नहीं खिला सकते। आप गॉस्पल्स को आराम से पढ़ो, आप सुसमाचारों को आराम से पढ़ो, आपको दिखाई देगा परमेश्वर लोगों को कभी वो काम नहीं देता था जो वो न कर सके। अभी कुछ लोगों को वचन याद है मुझे पवित्र बनना है, राइट? कितनों की बात जानते हैं हमें पवित्र बनना है? बनके दिखाओ, जाओ आई चैलेंज यू, जाओ बनके दिखाओ, बनके दिखाओ, चलो उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, टांगे फैला दो, तब भी नहीं बन पाओ। एक व्यक्ति बनके दिखाए पवित्र मुझे। अरे वो आप कर ही नहीं सकते, आपको ईमानदार बनना है, प्रभु आपको पवित्र बनाएगा। ऑनेस्ट पवित्र बनना, आपको पता है कितना हायर स्टैंडर्ड है? विचार में भी पाप नहीं करना है आपको, कैसे होगा? मैं पास्टर को सुनता था, वो हमेशा आपके बोलते थे पवित्र बन, पवित्र बन, पवित्र बन, हमेशा ऐसे बोलते थे। पर्सनल भी कभी कभी मैं मिलता था पास्टर जी, प्रभु मेरे लिए बोलता है हाँ पवित्र बन। प्रभु चाहता है पवित्र बन, लेकिन मैं बन ही नहीं पाता। आप बिलीव करो कि मैं अपने लाइफ का एक सीक्रेट बताता हूं। मैं जिस दिन सोचता था मैं आज से पाप नहीं करूंगा, मैं उसी दिन पाप में गिरता। कोई है मेरे साथ यहाँ पर जिसके साथ ऐसा होता है? जिस दिन आप डिसीजन लेते हो आज के बाद मैं निंदा नहीं करूंगी, आज के बाद मैं पंचायत नहीं लगाऊंगी, उसी दिन चार सहेली आएंगी। बहन कैसी हो? बहन अच्छी, चलेगी पार्टी? उसी दिन पूरा 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 निकाल देते। और एक मैं आपको क्या बताऊं, मैं टीचर हूं, मेरी प्रिंसिपल मरती भी नहीं हो, तंग करके रख दिया है, सारा दिल को शब्द बोलती रहती है, मेरे फेस को टारगेट बनाती रहती है, मैं बोलती हूँ मैं ये नहीं करूंगी, सबको बताती है नहीं करती है। आप देखो
कई सारे जवान लोग वचन सुनने के बाद सोचते हैं आज के बाद वो बदला रिश्ता खत्म, लॉक, डिलीट। और उसी दिन जैसे वो कॉल करने वाले होते हैं कि आज से तेरा मेरा नाता नहीं है, उस दिन ये लोग और करीब आ जाते हैं। बढ़िया रही। जिस दिन हम सोचते हैं आज के बाद हम ये नहीं करेंगे, उसी दिन हम सबसे अधिक गिरते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमने एक सीढ़ी मिस कर दी। हम लोग पवित्र बनना चाहते हैं अपनी ताकत से, बन के दिखाओ। हेलो, बन के दिखाओ। आई चैलेंज यू, बन के दिखाओ। एक भी नहीं बन सकता। पता है आपको क्या बनना है? ऑनेस्ट, ईमानदार। अपनी गलतियां प्रभु के सामने मानिए। हाँ प्रभु, जब उस बहन की बड़ाई हो रही थी ना, मेरे को तकलीफ हो रही थी, बड़ी तकलीफ हो रही थी। जब पास्टर उस बहन की बात करता है, ये बहन आओ, ये कौन बहन बहुत अच्छी है, मेरा मन करता है पास्टर को भी मुझे उसकी चॉइस करें। अरे ईमानदार बनो, सब बताओ प्रभु को, बताओ उसको मैं गदर टू देख के आया हूं। जब तक आप ईमानदार नहीं बनेंगे, खुदा किसी को भी कुदूस नहीं कर पाए। आप चाहते हैं परमेश्वर आपको पवित्र करे, आप ईमानदार बनो। यू शुड बी ऑनेस्ट। हम वो कर रहे हैं जिसके लिए हम बुराई नहीं है। बहुत सारे लोग, आप बिलीव करो, वो अपनी क्रिश्चियन लाइफ को भी एंजॉय नहीं कर पाते। सारा दिन परफेक्शन की कटरी लेके चलते हैं। मैं शुद्ध बनूंगा, मैं शुद्ध बनूंगा, मैं शुद्ध बनूंगा, मैं शुद्ध बनूंगा। घमंडी बन रहा है। मैं आपको सच कहता हूं, मेरा प्रभु के साथ इतना खूबसूरत रिश्ता है, क्योंकि ना उसकी तरफ से कोई डिमांड है, ना मेरी तरफ से कोई डिमांड है। हम एक दूसरे के लिए जीते। वो मेरे लिए जीता है, मैं उसके लिए जीता। हम इतना मजा करते हैं। आपको सच कह रहा हूं, मैं सुबह उठता हूं ना, मेरे दिल से पहला वर्ड निकलता है गुड मॉर्निंग लॉर्ड, चले आज साथ। बहुत इंजॉय करता हूं अपनी लाइफ। आपने कभी भी टॉल फेस, ऐसे मुंह लटका हुआ, या मुझे हंसने के लिए तारक मेहता की जरूरत ही नहीं है। आपको लगता होगा मुझे नहीं चाहिए, मैं टीवी देखता ही नहीं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, कोई चैनल भी मैं सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। मैं खुश रहता हूं प्रभु के साथ। पता है क्यों? मैं सिर्फ अपना संबल एंजॉय कर रहा हूं। मुझे पता है प्रभु ने मुझे, वो मुझे सब कुछ देगा, मुझे सिर्फ उसके साथ बना रहे। वो मत करो जो आप नहीं करने के लिए बुलाए गए हो, अननेसेसरी टेंशन ले रहे हो। देखो आप में से कुछ लोग 30 नहीं बाल सफेद हो गए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, घर पे जाएंगे ना थोड़ा सा अपना माथा चेक कर, 15-20 को निकले। मेरी बहन, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपके ये ब्लैक क्यों हो रहे हैं? हेलो, ये काले काले क्यों हो गए? अननेसेसरी टेंशन लेके रखता, अननेसेसरी। आप कहते हो मैं विश्वास करता हूं, तुम्हें चिंता नहीं करते। कुछ लोग सेटल हो गए हैं, सेटल शैतान के झूठों से। एक अंकल है हमारे चर्च में, 60 years old, चश्मा पहन गए। एक दिन मैंने उनको कहा, काका, हाँ सूरज, काका शर्ट शर्ट प्रे फॉर यू, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। कौन सी प्रार्थना बेटा? काका जब का चश्मा उतरे। क्या बोलूं, अभी चश्मा कैसे उतरेगा? नाउ आई एम गेटिंग ओल्ड, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं। आपको पता है लोगों के माइंड में सेट हो गया है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी बीमारियां लगेंगी। कहा लिखा
हेलो, कहां लिखा है ये? 120 साल की उम्र में बाइबल बताती है मूसा के चेहरे में चमक थी, उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी, लिखा उसका बल नहीं बना। आप क्यों करते हो ऐसे? कितने लोगों ने वचन पढ़ा है, जैसे तेरे दिन होंगे वैसे तेरी शक्ति होगी। उल्टा परमेश्वर कहता है जैसे जैसे तू ओल्ड होगा तू रिन्यू होगा। आप में से कितने लोग हैं जिनकी उम्र 50-60 से ऊपर है और आप ये विश्वास करते हैं आपका बुढ़ापा आपकी जवानी से उत्तम है? रिन्यू योर माइंड, अपने मन को नया करो। और झूठ बोले शैतान ने, मैं कितने साफ चश्मा डाला देखो आप मेरे ओल्ड वीडियोस, सब में चश्मा पहनता था, हर दिन उठता था अपनी आंखों पे हाथ रखता था, प्रभु आपका वचन कहता है आप धर्मी की हड्डी हड्डी की रक्षा करते हैं, प्रभु आप हमारी आंखों की रक्षा करते हैं, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं मेरी आंखें चंगी हो जाएं ताकि मैं बहुत समय बाइबल पढ़ पाऊं। एक दिन मैं सुबह उठा और सब दिख रहा था, कोई चश्मा नहीं पहनता हुआ। मुझे एक बात बताइए, यीशु पेड़ से बात करता था पेड़ उसकी सुनता था, तूफान से बात करता था तूफान उसकी सुनता था, मुर्दे से बात करता था मुर्दे उसकी सुनता था। आपकी आंखों से आप बात करोगे आपकी नहीं सुनी। डोंट लिव इन अ सेटल मेंटालिटी, जो दुनिया कहती है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शैतान ने इतना झूठ बोला है लोगों से, इतना झूठ बोला है ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। अरे क्यों होगा? बालक कहती है पूरे मिस्र में अंधेरा था लेकिन जहां जहां इज़राइल के लोग रहते थे वहां रोशनी थी। दैट इज योर फ्यूचर, ये आपका भविष्य है। भले ही दुनिया डार्क होती जाए डार्क होती जाए डार्क होती जाए, भले उनके लिए न्याय पे न्याय होगा, हमारे लिए अनुग्रह पे अनुग्रह है। और कहता है हम महिमा से महिमा में बुलाए गए हैं, हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। और कहता है विश्वास के द्वारा धार्मिकता, ओ धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट हुई है। मैं डिस्करेज नहीं रहता हूं कभी, प्रॉब्लम आएगी जाएगी, इसमें क्या है। एक व्यक्ति को प्रभु ने ठीक किया, वो 38 साल से बीमार था। एक बहन को प्रभु ने ठीक किया, वो 12 साल से बीमार थी, लहू बहने का रोग था। एक और बहन है जिसको 18 साल से डेवलपमेंटी स्त्री थी। आपने कभी सोचा 18, 12, 38 क्यों लिखा गया है? क्यों प्रभु बता रहा है कितने सालों से बीमार पड़े हैं? हमें समझाने के लिए तकलीफ कितनी भी पुरानी है सॉल्व हो सकती है। रिन्यू करो अपने आप को। कल आप जब आएंगे ना हंसते हंसते आना, आज फेथ रखो प्रभु पे, कल से हम कुछ स्ट्रॉन्ग खाएंगे। आज मैं जब यहां पर जब मैं एंटर हुआ आई फील आप में से बहुत से लोग यहां पर बैठे हैं जो अपसेट हैं, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि नहीं अब यहां कोई अपसेट नहीं। रिन्यू योर माइंड, मैं कोई अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच कहता हूं मैं फाइटर हूं, आई एम अ फाइटर, मुझे यीशु ने बनाया था। मैं शैतान से लड़ना जानता हूं, आप भी सीखो। ये बोलना कोई कमेंट नहीं है, आप वो मत करो जिसके लिए आप नहीं बुलाए गए हो, आप चिंता परेशानियां उठाने के लिए नहीं बुलाए गए हो। याकूब कहता है आपको प्रॉब्लम है ना, खुदा के पास जाओ, उसके पास छोड़ दो और भरोसा करो वो अपने समय में सब ठीक करेगा। प्लीज डॉक्टर मत बनाओ, आप मुर्दे को मत चिल्लाओ, आप 5,000 लोगों के लिए खाना मत बनाओ, आप जो कर सकते हो वही करो।
आप पवित्र होने की कोशिश मत करो, आप और खराब हो जाओगे। आप प्रभु के सामने जाओ, अपना पाप मानो, उसे कहो हाँ प्रभु मैं ऐसा हूं, तब परमेश्वर आप में से गंदगी निकालना शुरू करके आपको पवित्र बनाना शुरू कर देगा। कहिए मेरे पीछे, मुझे वही करना है जो मैं कर सकता हूं, मुझे वो नहीं करना जिसके लिए मैं नहीं बुलाया गया। हालेलुया। समझा? तो कितने लोग यहां पर चिंता यहीं पर चाट के जा रहे हैं, सर ऐसे नहीं करना है, सच में देना है। एक सवाल पूछ सकता हूं? हाँ बोलेंगे, वहां से उत्तर देंगे। लोग फ्लाइट में बैठे आज तक, हाथ तो नहीं, प्लेन में बैठे, प्लेन में, प्लेन में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और तो बैठे। फ्लाइट में जब बैठते हो तो क्या पायलट से कभी पूछ के आए हो दाल बन गया है? सब ठीक है ना, टेंशन तो नहीं ना, उड़ा लेगा ना, पूछा है तो? नहीं पूछा, मैंने भी नहीं पूछा। मैं हर हफ्ते कहाँ ना कहाँ जाता रहता हूं, मैंने आज से कभी जाके पायलट से नहीं पूछा है, सर आप ब्रेक तो नहीं किया, सर घर में झगड़ा नहीं हुआ है, उड़ा दोगे ना, छोड़ के आओगे ना, कभी भी नहीं, नेवर खाले। कभी आप जब बस में बैठते हैं तो कभी ड्राइवर से पूछा है, ओ साहिब हाँ पिया तो नहीं है ना? नहीं नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ है, स्ट्रेस तो नहीं है, चला लोगे ना? आई नो आपने कभी नहीं पूछा। कितने लोग मुझे बताइए जब आप बोर्ड में बैठे थे तो आपने माजी से जाके पूछा बरोबर चला लो, पलटी तो नहीं करेगा? आप ड्राइवर पे भरोसा कर सकते हो, आप पायलट पे भरोसा कर सकते हो, आप प्रभु पे आप उन पे भरोसा कर सकते हो जिसको आप जानते भी नहीं हो, आप उस पे भरोसा नहीं करते हो जिसे आप जानते हो। सोचो हम उन पे भरोसा कर लेते हैं जिनको हम जानते भी नहीं है कि हाँ ये उड़ा लेगा, लेकिन आप उस पर भरोसा नहीं कर पाते जो आपका पिता है जिसे आपके लिए अपने पुत्र को बलिदान किया, वो आपका कफारा गया। Why you are depressed? जो जिंदगी आप जी रहे हो वो जिंदगी जीने के लिए आप नहीं बुलाए गए हो, आप एक ऐसी जिंदगी बुलाए गए हो जो महिमा से भरी हो। A full of glory, a full of joy. न केवल प्रभु आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, अरे मेरी दुआ है प्रभु आपको शांति का बपतिस्मा दे, आपको डुबो दे अपनी शांति में, अपने आनंद में, अपनी ब्लेसिंग्स में। आमीन। कहिए जोर से आमीन। चलिए अगर आप बाजू वाले का बाजू वाले को जानते हो तो उसका हाथ पकड़ो, अगर आप बाजू वाले को जानते हो तो उसका हाथ पकड़ो, उससे कहो हम महिमा में जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। फिर से उससे कहिए हम एक महिमा से बड़ी जिंदगी जीने के लिए बुलाए गए हैं। अब तीसरी बार उससे कहिए हम एक महिमा से बड़ी हुई जिंदगी जीने के लिए बुलाए गए हैं। आपके लिए कहना चाहता हूं आपके आने वाले साल महिमा से भरे हो। आप इतने इतने मजबूत बनो कि आप डेविल को बोल के दिखाओ मेरे को डिस्करेज करके दिखाओ, नहीं मैं तो शैतान को रोज बोलती हूँ ब्रदर के वो अपनी देख तू मेरे तंग मत कर, बदले में नहीं सर। अब
विजयी परमेश्वर की संतान है। हमारा लीडर जीता है क्रॉस पे, है ना। गोलियत ने क्या कहा था उसको, तुम जीते हम तुम्हारे गुलाम, तुम हारे तुम हमारे गुलाम। लीडर हारा प्रजा हारी, लीडर जीता प्रजा जीती। अरे हमारा लीडर क्रॉस पे जीता है, हमारी प्रजा हार का चिन्ह नहीं है, वो विजय का चिन्ह है। हमेशा एक बात याद रखिएगा और उसके बाद अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, मैं अपने प्रेयर करूंगा। एक लाइन आप हमेशा याद रखना, यीशु मनुष्य है, इसका प्रूफ क्या है, इसका सबूत क्या है। यीशु मनुष्य है, उसका सबूत है यीशु मरा। यीशु खुदा है, उसका सबूत पता है क्या है, वो जीता। आज एक बार फिर से अपनी जिंदगी में से जो कि अनवांटेड थिंग्स है ना, प्रभु को दीजिए। आइए कोई किसी से बात क्या करें, सब यहां देखिए, अपनी आंखें बंद करिए, अपने परमेश्वर की ओर निहारिए। मैं जानता हूं प्रभु ने आप में से हर एक से बात की है, मैं जानता हूं प्रभु ने आप में से हर एक से बात की है। ओ लॉर्ड थैंक यू, धन्यवाद प्रभु, मैं इसी वचन के लिए आके आया था। धन्यवाद आपने मुझसे बात की प्रभु, आप मेरे दिल को जानते थे, आप जानते थे मुझे कौन से वचन की जरूरत है और आपने मुझे वही दिया। स्वर्गीय पिता यीशु के नाम में आपके पास आते हैं प्रभु, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के दिन, जब आपने अपने इतने सारे लोगों को बाहर तक प्रभु लोग बैठे, ओ प्रभु आपने इतने सारे लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया ताकि वो तेरे वचन के द्वारा आशीषित हो। आज सुने याकूब की पत्री में बताया, अगर हम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक के लिए, वो हर एक पर दया कर, हर एक पर अनुग्रह कर, इनकी चिंताओं को ले ले, इनकी चिंताओं को उठा ले और प्रभु ने बरकत दे प्रभु। Lord we thank you, Lord we thank you, प्रभु हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं। अपने लोगों को आशीष कर, अपने लोगों को आशीष। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस अमेजिंग वर्ड। यहां पर जितने भी लोग आए हैं मैं घोषणा करता हूं आने वाले साल महिमा से भरे हुए, हम दवाइयां नहीं लेंगे, हमारी सेहत पे एक तरफ से आएगी, हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं होगा, हम लोगों की मदद करेंगे। लॉर्ड ब्लेस यू बी, अपने लोगों को आशीष कर, अपने लोगों को बरकत दे, हम तो सिनेमा आइए अपने हाथ को उठाए। Oh.
यीशु के नाम सारी चिंताओं और डिप्रेशन के बंधन यीशु के नाम में टूट जाएं। अपने लोगों को आशीष कर प्रभु, अपने लोगों पर दया कर। तुम्हें ये जिंदगी जीने के लिए नहीं हमने बुलाया, तुमने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम महिमा से महिमा में प्रवेश करें, हम अनुग्रह पे अनुग्रह पाएं, हम विश्वास के ऊपर विश्वास को पाएं। हम बैकस्लाइड होने के लिए नहीं, उन्नति पाने के लिए बुलाए गए। अपने लोगों को